होई भी चेंज करवा लिया, आंटी ने आराम से चेंज भी कर ली थी और इसके बाद अब पूजा स्टार्ट करेंगे। कोई भी हम में से एक कहानी पढ़ेगा और मम्मी सुनेंगी, तो देखते हैं कि हम इस बार किस तरीके से कहानी पढ़ने वाले हैं या फिर कौन पढ़ेगा। सीमू ढूंढ रही है कोई भी एक वीडियो जिसमें से कि मम्मी कहानी सुन पाए, क्योंकि स्वाति की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो वो बोल रही थी कि मेरे से नहीं बैठा जाएगा नीचे, मैं ऊपर बैठी हुई हूँ और वो भी हमारे साथ इधर ही बैठी हुई है। तो बस यूट्यूब से देख के मम्मी आज कहानी सुनने वाली है और इसमें वीडियो के साथ सुनने को मिलेगा और देखने को भी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और होई अष्टमी का फास्ट क्यों रखा जाता है। जैसे जैसे कहानी सुनते जाते हैं वैसे वैसे जैसे ही एक लाइन खत्म होती है उसके बाद हमारे हाथ में चावल या फिर गेहूं के दाने होते हैं तो उनको पानी में डालना होता है। तो इसी तरीके से मम्मी भी वही सब रूल्स फॉलो करके वहीं आ रही हैं और हमने मम्मी से एक बार पूछा भी था कि ऐसा क्यों करते हैं, तब मम्मी ने ये बताया था कि एक लाइन जब खत्म होती है तो इसके अंदर पानी में डालना होता है, चावल हुए या फिर गेहूं हुआ। तो इसी तरीके से ये पूजा जो होती है की जाती है, तो सब लोगों में अलग अलग तरीके से की जाती है, तो हम लोगों में जिस तरीके से की जाती है मैं आप लोगों को के साथ वो सब शेयर कर रही हूँ। कहानी सुनने के बाद टीका लगाया जाता है जो कि होता है हल्दी का, और करवा चौथ के फास्ट में लगाया जाता है सिंदूर का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लो, उसमें भी मैंने अपनी जो भी मम्मी जिस तरीके से करती है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और स्वाति ऊपर ही बैठी हुई थी तो मम्मी ने उसको ऊपर ही टीका लगा दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी। तो बस पूजा भी कम्प्लीट हो गई है और ये जो सब थाली में फ्रूट्स रखे हुए थे ये मम्मी ने सीमू को दे दिए हैं, क्योंकि जो भी कहानी सुनाता है उसको ये सब चीजें देनी होती हैं। उसके बाद मम्मी दे रही है सूरज को पानी और इसी के बाद मम्मी अपना एक गिलास पानी पियेंगी और चाय पियेंगी। पानी जो होता है वो मीठा पीना होता है, नींबू डाल सकते हैं हम उसके अंदर, लेकिन सादा पानी नहीं पीना होता। तो उसके बाद जिसने कहानी पढ़ी होती है उसको पैसे भी दिए जाते हैं, तो मम्मी एक को नहीं देती खाली, हम सब तीनों को मिलता है। तो मम्मी ने हम तीनों को 10-10 रुपए दे दिए, उसके बाद ही मम्मी चाय पानी वगैरह अपना लेंगी।
तो मेरा मीठा खाने का मन था, तो जब मैं नीचे गई थी तो मैं ये लेके आई थी कैंडी अपने लिए। चुपा चुप बोलते हैं जिसको, किस किस ने ये वाली कैंडी खाई है मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। और इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जिसने भी खाई होगी उसको तो टेस्ट पता ही होगा। और बस अब मम्मी टीवी देखते देखते अपनी चाय ले रही है। वैसे बोलते हैं कि इस वाले फास्ट में दूध की कुछ भी चीज नहीं लेनी होती, लेकिन चाय पी सकते हैं, लेकिन काली चाय होनी चाहिए वो। तो बस अब मम्मी चाय पी रही है, और साथ ही पापा ने गैस ठीक करने वाले अंकल को बुलाया हुआ है क्योंकि हमारे गैस में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो बस अभी वो सब ठीक कराएंगे और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। साड़ी के ऊपर से ही गाउन डाल लिया है क्योंकि साड़ी भी गंदी ना हो, अगर गंदी होनी भी होगी तो ऊपर से गाउन ही गंदा हो जाएगा। और बस मम्मी खाना बना रही है क्योंकि स्वाति को ऑफिस जाना है, उसकी नाइट शिफ्ट लगी हुई है। और मम्मी बना रही है सोयाबीन वाला जो पनीर आता है वो बना रही है, और साथ में बना रहे हैं हम हलवा क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा बनाना होता है लेकिन दूध की चीज नहीं बनानी होती। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये जो पनीर है वो भी सोयाबीन वाला है, नॉर्मल दूध वाला नहीं है। और सीमू और मैं जा रहे हैं किसी काम से नीचे क्योंकि हमें मार्केट से कुछ लेके आना था। तो बस हम नीचे जाते हैं और आकर के मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी। और आप मुझे अभी तक इंस्टा और FB पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है अपनी ID का, जाइए आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात कर रही है, किरण मौसी की वीडियो कॉल आई थी तो मम्मी वीडियो कॉल पे किरण मौसी से बात कर रही थी। और साथ ही अभी बस जा रही है अपने ऑफिस क्योंकि उसके ऑफिस का टाइम हो गया है, और खाना वगैरह सब कुछ हमारा रेडी है लेकिन अभी पूजा नहीं की है। तो जब सानू आ जाएगा ऑफिस से तब मम्मी ये वाला फास्ट खोलेंगी, तो अभी थोड़ा सा टाइम है सानू को आने में भी। उससे पहले हमने खाना वगैरह रेडी करके रख लिया क्योंकि साथी को ऑफिस जाना था। तो बस अभी अभी सानू आ चुका है और मम्मी लग गई है अपनी पूजा की प्रिपरेशन में। और मैं आप लोगों को सब कुछ छोटी छोटी चीजें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी समझ पाओ हम किस तरीके से हर एक फेस्टिवल को करते हैं और कैसे सब किया जाता है। उसके बाद जैसे ही मम्मी की पूजा कंप्लीट हो जाती है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मम्मी सबके हाथ में थोड़े थोड़े जो गेहूं के दाने होते हैं वो देती है। और उसके बाद सब खड़े होकर बोलते हैं जैसी हमें आई वैसी सबको आए, और जैसी इस बार आई वैसी हर बार आए। तो इस तरीके से ये दो तीन लाइनें बोलनी होती हैं, तो बस वही हम सब कर रहे हैं। और यही जो लाइनें होती हैं यही छोटी दिवाली बड़ी दिवाली गोवर्धन इन सब पे भी बोली जाती है। तो मैंने बोला था आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें मैं शेयर करूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये लाइन भी बता देती हूँ कि क्या बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस इसके बाद अब मम्मी का फास्ट हो गया कंप्लीट। वैसे तो 6 बजे ही तारे दिखाई देने लग गए थे लेकिन सानू थोड़ा लेट हो गया 8:30 बजे करीब तक, और मैंने सोचा था कि ये वीडियो थोड़ा जल्दी डालूंगी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया सानू की वजह से। पर लेकिन कोई नहीं, मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। बस अब मम्मी अपना फास्ट खोल लेंगी तारे देखकर, और बस उसके बाद ये फास्ट है कंप्लीट और खाना वाना खाएंगे उसके बाद।
फास्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद मम्मी हमें जो ये सूट दे रही है, और मम्मी ने करवा चौथ पर भी दिया, ये दो सूट हैं और मेरी दो ही बुआएं हैं। तो उसके बाद जब भी मम्मी किसी भी फेस्टिवल पे बुआ के घर जाती है तो एक्स्ट्रा सूट में मम्मी ये भी लेके जाती हैं कि ये मम्मी ने पूजा करके रखे थे माँ के लिए, तो फिर ये बुआ को दिए जाते हैं। बस यही था आज की वीडियो में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।